यूपी की राजधानी लखनऊ में खड़ी यजदान बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई के चलते बीते कई दिनों से तोड़ा जा रहा है। वहीं ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई शनिवार को भी चली थी कि इसी बीच एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल ध्वस्तीकरण के दौरान इस बिल्डिंग का एक हिस्सा नीचे जा गिरा और बिल्डिंग के मलबे ने कई लोगों को अपने आगोश में समा लिया। वहीं इस हादसे को देख लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारी और ठेकेदार मौके से फरार हो गए। वहीं इस हादसे की सूचना मिलते ही LDA VC इंद्रमणि त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में लग गए। नहीं नहीं, कोई व्यक्ति नहीं दबा है, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना नहीं हुई। बाउंड्री वाल जब तोड़ते समय बाउंड्री वाल का कुछ हिस्सा जो कॉमन पैसेज है उस पे मलबा गिर गया था। उसमें एक दो गाड़ियां जो स्कूटी और मोटरसाइकिल दो गाड़ियां थी वो उनको क्षतिग्रस्त हुआ, उनको हम लोग देख रहे हैं। और उसमें जो वेंडर को दिया गया था कितनी सिक्योरिटी सेफ्टी उसे बरतनी थी हमारे लोग भी थे, और उसमें जहाँ लैप्सेज हुआ उसमें कार्रवाई की जाएगी और शेष जिनका नुकसान हुआ उसको मुआवजा दिया। क्या मानते हैं सर, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई? अब उसमें जांच कराएंगे और उसके बाद जो तथ्य पाए जाएंगे उसमें कार्रवाई। फिलहाल इस हादसे के बाद अब बिल्डिंग के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन इलाकों को डेंजर जोन में डाल दिया गया है ताकि आगे आने वाले समय में कोई और परेशानी ना हो। साथ ही बिल्डिंग के आसपास PAC भी तैनात कर दी गई है। बता दें कि यजदान बिल्डर को लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा था, वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा था, लेकिन जरा सी लापरवाही के चलते ये हादसा हो गया जिसने कई घरों को अपने में समा लिया। वहीं इस हादसे से नाराज स्थानीय लोगों ने अब इसको लेकर हंगामा शुरू कर दिया है। देखिए, ये बिल्डिंग पिछले 15 दिन से टूट रही थी, मोहल्ले वासियों को कोई आपत्ति नहीं थी, गलत बनी थी तो टूट रही थी, मगर आज ये बिल्डिंग 3 दिन से पुकलैंड से तोड़ी जा रही थी और आधा हिस्सा गिर गया था, मगर 6 मंजिल की जब ये बिल्डिंग आधी बची तो आज उन्होंने किसी ऐसे पिलर पे मारा नॉन टेक्निकल पर्सन ने जिससे बिल्डिंग भरभरा के सड़क पे आ गई। उसके नीचे तमाम गाड़ियां दबी है, अभी सर्चिंग चल रही है NDRF और SDRF की। हो सकता कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो तो हटने के बाद अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कोई व्यक्ति ना हो, मगर तमाम जो मकान ये बने हुए हैं ये मोहल्ले वालों के, इनमें दरारें आ गई हैं, इनका जो भी मुआवजा है वो LDA दे और इनकी रिपेयरिंग कराए, और जिन जिन की गाड़ी टूटी है उनको मुआवजा दे, और जो भी व्यक्ति अगर इसमें दबा है तो उनको उसके परिवार को 20-20 लाख रुपए दे और नौकरी दे। बता दें कि सरकारी अफसरों और इंजीनियरों की लापरवाही की वजह से यहां की जमीन पर यजदान बिल्डर ने अवैध बिल्डिंग बना ली थी, जिस पर कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रशासन का हथौड़ा चलना शुरू हुआ। वहीं फिलहाल इस हादसे के बाद से अब लोग LDA से इस नुकसान की भरपाई करने की मांग कर रहे हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए लखनऊ से पवन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट शिवानी शर्मा।